बानवे क्या बोला बानवे तो सही नहीं है बानबे बोलने का ये यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया तेरे हाथों के कामों के कारण मैं जय जयकार करूंगा तेरा काम क्या ही बड़े हैं हम परमेश्वर के महान कार्य को देखे हैं उसके चमत्कार को देखे हैं उसके बलवंत हाथ बढ़ाकर उन्होंने उसके जन के लिए क्या क्या कार्य किए मेरे जीवन में क्या क्या कार्य किया उसको मैं स्मरण करता बड़ी अद्भुत के साथ और धन्यवाद के साथ मैं उसकी स्तुति आराधना करता लेकिन परमेश्वर का दास कहता है तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर परमेश्वर की कल्पनाएं उसकी भावनाएं उसका सोच मेरे विषय में जो है वो गंभीर परमेश्वर के दास चाहता इसलिए प्रभु ऐसा कार्य करता इसलिए प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कार्य करता इसलिए प्रभु ये जगत में ऐसा कार्य करता परमेश्वर के दास को पता यह मेरे कारण नहीं यह मेरी भलाई के कारण भी नहीं तेरी कल्पनाएं मेरे विषय में जो है वो बहुत गंभीर है बहुत ऊंचाई की है बहुत खास है इसलिए परमेश्वर का दास कहते तेरी कल्पनाएं कितने बहुत गंभीर है मनुष्य उसको नहीं समझता मनुष्य तो सिर्फ काम को देखता मनुष्य सिर्फ चमत्कार देखता लेकिन मनुष्य तेरे चित्त में छिपी हुई भावनाओं को और कल्पनाओं को नहीं जानता यह सब नहीं जानता पिछले द्वार को प्रभु ने हमें आह्वान दिया आंखें खोलकर देखो जब तक आंखें नहीं खोल दिया था तब तक उन्होंने यूसुफ के भाइयों ने मिस्र देश की संपत्ति को देखा मिस्र देश में एक महान प्रधानमंत्री है उसको देखा अनाज इतना है वहां गेहूं इतना है ये सारे चीज उन्होंने देखा ये बड़ा क्रूर आदमी है लेकिन वो हमें खिलाता है उसके लिए उसके सामने झुका जब आंखें खोल दिया तो उसके हृदय का सोच बाहर आया उसके हृदय की भावनाएं बाहर आया तब तक नहीं आया तब उन्हें पता चला ये पराये देश आए हुए लोगों के साथ इतना क्रूरता से बर्ताव करते भी इतना अनाज देता पैसा देता उसके कारण है वो उसकी कल्पनाएं उसकी भावनाएं हैं जो उसके हृदय में छिपी हुई है अब नहीं जानता जब तक ये नहीं जाना इसमें उनमें चैन नहीं आया डर के मारे कांपते हुए इतने डर के वो लोग आते थे उसके पिताजी ने कहा तुम क्यों नहीं जाता हमारा अनाज पूरा खत्म हो गया हम भूखे मरेंगे दोबारा क्यों नहीं जाते हम डरते हैं वह जाने को हम डरते काम कर इतने सारे तोहफा लेके जा इतने सारे भेंट लेके जा लेकिन जब एक दिन उसके हृदय की सोच को उन्होंने समझा तब डर कहा दूर कहा गले लगाते हैं आलिंगन करते हैं मसीह जीवन की ऊंचाई के अगले कदम वो है परमेश्वर की कल्पनाएं परमेश्वर की भावनाएं परमेश्वर के हृदय के विचार को जानना मनुष्य के लिए असंभव है नहीं है मनुष्य नहीं जानता उसका मनुष्य नहीं जानता मूर्ख इंसान उसका विचार नहीं करता पर ये सॉरी मैं उसको छोड़ देता ये समझना इंसान के लिए
कठिन है, ऐसा वो कहता। हम आगे बढ़कर देखते हैं नौवां वचन से, यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वो मिथ्य है। मैं 11 वचन पढ़ता हूं, परमेश्वर के हृदय की कल्पनाओं को मनुष्य नहीं जानता, ऐसा नहीं लिखा। वही तो आप पढ़ा, आप लोग सब कुछ दूसरा दुनिया में और मुझे प्रचार करने को आते ही नहीं है, मेरा गलती है, आपका कोई गलती नहीं है, आप लोग का कुछ भी गलती कभी नहीं है, मैं सही रीति से सिखाता भी नहीं है, प्रचार भी नहीं कर पाता, ये सारे दोष मेरा ही। फिर भी मैं कोशिश करता कि हमने पढ़ा कि परमेश्वर की कल्पना ये मनुष्य नहीं जानता, लेकिन यहां परमेश्वर कहता है तेरी कल्पनाओं को मैं जानता हूं, मनुष्य की कल्पनाओं को यहोवा जानता है, और वे ये भी जानता है कि वो मिथ्या है। मेरी सोच गलत है, मेरी कल्पनाएं गलत रहा, मेरी भावनाएं गलत रहा, उसके कारण जितना मैं चाहता तो मुझसे भला काम निकलता ही नहीं है। सोच की बात है, चाहत की कमी नहीं, नहीं चाहत की कमी नहीं, मेरी भावनाएं मिथ्या है, व्यर्थ है। प्रभु हमारी आंखों को खोलता ताकि हमारी समझदारी को लिए जाए। पिछले त्योहार को हमने देखा, जब आंखें खोल दिया गया, सोच बदल गया। वे लोग डरते थे, वो लोग छुपाना चाहते थे, वो लोग यरूशलेम छोड़कर भाग रहे थे, वो लोग कैसे भी लोगों से बचना चाहते थे, लेकिन जब यीशु ने रोटी तोड़ा उसका आंखें खुल गया, उनके सारे सोच बदल गया, उसके कल्पनाएं बदल गया, उसके भावनाएं बदल गया, उनको रात दिन समान लगने लगा। आधी रात को जो कोई सफर नहीं करता, कोई घर का बाहर नहीं निकलता, वो लोग इतने हिम्मत से जहां से डर के मारे में वो लोग भाग रहे थे वहां चलता। जब आंखें खुल दिया चलता तो भावनाएं बदलता है, कल्पनाएं बदलता है। वो कहता है कि वो मनुष्य की जो है वो व्यर्थ है, मिथ्या है। सत्रह वचन में मैं आता, यदि यहोवा मेरा सहायक ना होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। जब मेरा पैर फिसलने लगा तो हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है तो हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख देता। मेरा दिल की भावनाएं, चिंताएं, डराने वाली सोच, कुटिलता, कड़वाहट, ये सब चीज प्रभु मुझको ताक पाता, तब मैं तेरे मन की कल्पना को जब समझ लूंगा ये सारे अंधकार हटाया जाता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह जीवन परिश्रम का नहीं है, कोई कुछ भी सिखाए मुझे कोई एतराज नहीं है, वो सब लोग सही कहता है, मसीही जीवन परिश्रम का नहीं है, मसीही जीवन साहस करने वाली नहीं है, मसीही जीवन आराम की जीवन है, उसके सीने पे आश्रय लेने वाली जीवन है, उसके हृदय से चिपकने वाली जीवन है, उसकी भावनाओं को, उसकी कल्पनाओं को अपनाने वाली जीवन है। तब मेरा सोच बदलता, मेरा जीवन बदलता। आज से मैं झगड़ा नहीं करूंगा, अच्छी बात है। आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, कितनी अच्छी बात है। कुछ नहीं बनेगा, आप यूसुफ के हृदय की सोच को जानोगे तो रूपांतर होगा। हमारे हृदय में इतनी चिंताएं हैं, इतने विचार हैं, इतनी भावनाएं हैं, इतना भय है,
इतना इतना गुस्सा है, इतना वैर भाव है, हमारी सोच। इसलिए पिछले इतवार को यीशु ने हमारे सामने एक अंत को खड़ा किया। लोगों का सोच देखो और यीशु का सोच देखो, जमीन आसमान का फर्क। यीशु की दया नहीं है वो, यीशु की कल्पना ये अलग है, उसका मनो भाव अलग है। वो मुझ में आ जाए, जब कुछ रोगी सामने आता फारसी जाते उससे दूर करा रहना, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसको छूने वाला अशुद्ध होता। फारसी अपने आप को दूर रखता है। जब कोई घायल पड़ा है रास्ते पे तो याजक लेवी उसे दूर चलता, क्योंकि अगर कुछ लग गए तो मंदिर में नहीं जा सकता, अशुद्ध है। लेकिन शाबरी का सोचा लगा परमेश्वर के हृदय की भावना को अपनाया हुआ मनुष्य, अंधे को देखकर यीशु के हृदय में ऐसा सोच नहीं आता। कारण जरूर उसका कांतारी शराब है, कारण जरूर माँ बाप और पितरों का पाप होगा, लेकिन यीशु वो नहीं देखता। उसके हृदय में एकमात्र विचार है कि कैसे प्रभु की महिमा इस कारण हो जाए। प्रभु जानता मेरा सोच गलत है, मेरी कल्पना ये गलत है। ये कैथलिक लोगों कह रहे बाइबल तो बहुत सारा पुस्तक है, कौन सा पुस्तक में मुझे ये सब नहीं मालूम। मैं सब स्कूल में पढ़ता था, मैं कैथलिक स्कूल में पढ़ा तो वहां उन लोग का कैथलिकिज्म मतलब मॉरल स्टडीज क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं मॉरल स्टडीज, मतलब अच्छा बनो अच्छा सोच, ऐसे स्कूल में सिखाता ना, उनको क्या बोलता है, ऐसा कुछ है ही नहीं लोगों स्कूल में, इसलिए तुम लोग ऐसे ऐसा है मॉरल एजुकेशन कहता है, स्वभाव बदलने के लिए है ना, एक क्लास है ना, हम लोग तो स्कूल में नहीं था, मॉरल साइंस बोलते ना, मॉरल साइंस। अरे वो अंग्रेजियन है भाई, वैल्यू एजुकेशन क्या मलयालम है, वो भी अंग्रेजियन है, नैतिक शिक्षा है ना, ये नैतिक शिक्षा वहां होता है। तो ये कैथलिक लोगों के लिए नैतिक शिक्षा क्या होता है, बाइबल की सब होता है। तो मुझको ये सिखाने की बड़ा दिलचस्पी है, सीखता कम सिखाता ज्यादा। तो मैं ये बच्चों को ये सिखाता, उसको बुक लेता और पढ़ता, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ने को आता था। बचपन में छोटे बच्चे की बात है, बच्चों को पढ़ने को इतना आता नहीं, दूसरा में सब, दूसरा में तीसरा में सब, मेरे को अच्छे से पढ़ने को आता। तो मैं जोर जोर से पढ़ता, लोगों को कहानी सुनाता। उसमें ऐसा है यीशु चला लोगों के साथ जा रहे, ये बाइबल में नहीं है, उन लोग का पुस्तक में यीशु चला लोगों के साथ जा रहे। इतने में एक मरा हुआ कुत्ता, कुत्ता का शव शरीर उधर पड़ा है। तो चलो लोग सब कहते हैं पत्रस कहते तो यू है ना कहते क्या है बदबू, अबदबू। फिर यीशु बोलता है उसका दांत देख, कुत्ता मर के पड़ा तो मतलब मुंह खुला रहता है। अब फिर कौन है संदेह कोई, कोई संदेह होते, मुझे भी लगा यीशु नहीं है वो, संदेह कोई मुझे याद नहीं हो तो छोटे बचपन की बात है ना, कल का बात याद नहीं है तो संदेह हो, संदेह यीशु नहीं, हाँ फ्रांसिस असीसी कोई भी, हाँ इसको फ्रांसिस होगा तो भी चलेगा, थॉमस होगा तो चलेगा, सुलेमान होगा तो भी चलेगा, खाली बात सुनने से मतलब नहीं है। कहते उसका दांत को देखो, इतने शार्प इतने चमकता है, परमेश्वर ने बनाया है। ये कुछ छोटी सी कहानी है, ये सोच की बात है। यीशु के सामने कुष्ठ रोगी आता, वैसा उसका हृदय में सोचे इसको मैं छूंगा, ये बदलेगा और ये क्या होगा, ये क्या हो सकता। अंधे को देखकर वो सोचता अगर मैं उसको कुछ
क्या मिट्टी के अच्छा शब्द में कल बोला था, आप बोला था ना सुरमा, वैसा सुरमा लगाए वो क्या देखने लगेगा क्या होगा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। प्रभु की चाहत यह है कि मेरे हृदय की चिंता व्यर्थ है, प्रभु जानता है। वो मुझे डराने वाली है, वो मुझे तोड़ने वाली है, वो भय दिलाने वाली है, वो संदेह कराने वाली है। कल के विषय में इतने संदेह है, इतना भय है, बच्चों के विषय में इतना डर है, नौकरी के विषय में इतनी चिंता है, मेरे भविष्य के बारे में विचार है, दूसरों ने जो भी मेरे साथ किया उसको ऊपर मेरे जीवन में कटुवाहट है, कुछ देखने से मुझ में नफरत आते हैं। ये मनुष्य के विचार जो सोच जो भावना है प्रभु कहता वो व्यर्थ है, वो मिथ्या है। प्रभु के हृदय की कल्पनाएं कितने ऊंचाई का है, इसलिए उन्होंने महान कार्य किया। प्रभु के हाथ से महान कार्य इसलिए होता, अद्भुत का हाथ बात इसलिए होता, बदारी का काम होता, चुटकारे की बात होता, छक्काई की काम होता, क्योंकि उसको चलाने वाली बात जो है वो उसके हृदय की कल्पनाएं हैं। प्रभु ने मुझको दिखाना चाहा बाइबल से कि परिश्रम से नहीं होता, बाइबल पढ़ने से नहीं होता, भाषण देने से नहीं होता, मेरे हृदय की जो कल्पनाएं भावनाएं हैं वो बदलने से मैं पवित्र बनता। कल में नहीं, 17 झूठ बोला बिना कैसे। आज इतवार होने के कारण मैं कल 5 बोलूंगा। कितना बोलूंगा? 1 तो हो गया, क्या था वो यीशु। कम से कम कल से आज यीशु थोड़ा सा तो खुश होगा, क्योंकि कल 17 है, नहीं है प्रोग्रेस है, नहीं है थोड़ा सा तो खुश होगा ना यीशु। यीशु बोलता नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। मैं जो करता, मैं जो बोलता वो गिनकर वो देखकर प्रभु कुछ नहीं होता, नाराज भी नहीं होता। प्रभु को वचन में लिखा है मनुष्य जैसा दिखाई देता वैसा दिखता, परमेश्वर हृदय को जांचता। मैंने पवित्र शास्त्र में देखा मेरी कल्पनाएं व्यर्थ है, मैं मेहनत करता, मेरे भावनाएं गलत है, मेहनत करता। आज मैं सबसे जाके माफी मांगूंगा, मेरे जीवन में ऐसा ही जमाने था, सबसे जाके माफी मांगने का। ये 31 को कुछ लोग मेरे पास आके माफी मांगा, अरे क्यों मांगते, मेरे समझ में नहीं आता साहब, पूरा गलती मैंने किया, और लोग आके मुझे माफ कर, मुझे तो हंसी आता है, अंदर हंसी आता है, दिखा भी नहीं सकता। उससे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। हम लोग एसएससी में, एसएससी हमें स्वर्ग जाना, इसके लिए हम किसी से बेकार की बात कहेंगे। प्रभु Change my heart, oh God, make it ever true. परमेश्वर के दास की प्रार्थना है, मेरे हृदय को बदल दे, प्रभु ये सब छोड़ दो, मेरी भावनाएं सही हो जाए, मेरी कल्पनाएं सही हो जाए, तो ये सारी चीज, मैं नफरत की बात गुस्सा की बात नहीं करता, मेरे सामने आया वो नफरत और गुस्सा का नहीं था, मेरे सामने आया मेरा भय, मेरा डर, मेरा संदेह, मेरा विश्वास, ये सारी चीज मेरे सामने आया, आंखें खुल गया तो ये बदलना अवश्य है। प्रभु आंखें खुलता है,
ताकि मेरा सोच बदल जाए, मेरे विचार बदल जाए, मेरी भावनाएं बदल जाए, मेरी कल्पनाएं बदल जाए। बहुत सी चिंताएं होती है मेरे लिए, नहीं होता, होता बहुत, लेकिन यहोवा तेरी दी हुई शांति से तू मुझको सुख देता। मेरी कल्पनाएं तू जानता मिथ्या है, लेकिन जब मैं तेरा हृदय को देखता, तेरा मेरा हृदय शांति से भर जाता। प्रभु की आत्मा चाहते उसकी कृपा से खुले हुए आंखों से स्वर्गीय ज्योति पाए आंखों से हम यूसुफ को देखता रहेगा, आदत बदल जाएगा, सोच बदल जाएगा। ये सोच बाकी चीज को ऊपर नियंत्रण रखता, मेरी भावनाएं और कल्पनाएं बाकी सारे चीज के ऊपर नियंत्रण रखता। मैं आपसे हाथ जोड़ कर कहता हूं के सामने आप कितना भी परिश्रम क्यों ना करो, कितने भी अपने आप को क्यों संभालो, आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हर कदम आप देख के चलो कि मैं एक भी झूठ नहीं बोलूंगा, हर कदम देख के चलो किसी को भी दर्द नहीं देगा। कितने साधु लोग ऐसे पर्वत के ऊपर बैठा है, बोलो संसार को छोड़ दिया है, बोलो झूठ नहीं बोलता, बोलो कहता भी नहीं है, बोलो झगड़ा नहीं करता, नहीं है उसमें वैर भाव नहीं है, उसमें जलन भी नहीं है, लेकिन प्रभु जानता इसकी कल्पना ये मिथ्या है। डर के मारे नहीं, पैर चक्की धोने के कारण नहीं, नरक से डर कर नहीं, परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर आएगा उसके कारण भी नहीं है, दुनिया के सामने मेरा मान सम्मान खत्म हो जाएगा उसके कारण भी नहीं है, मेरे पति गुस्सा करेगा उसके कारण नहीं है, पति के क्रोध की सामना करना पड़ेगा उसके कारण नहीं है। मेरे कल्पनाएं मेरी भावनाएं बदल दिया गया है, इसलिए मेरे सब काम जैसे परमेश्वर का काम, यीशु का काम के पीछे उसका एक हृदय का सोच था, सिर्फ काम करने का, मेहनत करने का, परिश्रम करने का मन नहीं, उसके सारे काम को चलाने वाला, उसको पर नियंत्रण कर रखने वाला एक सोच कल्पना उसके हृदय में रहा। हमारे बढ़ते तुमसे यो कहता इन भविष्य की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। ये लोग परमेश्वर के दास लोग है ना, सिर्फ दास लोग नहीं है, ये लोग भविष्यद्वक्ताएं हैं, बड़े ऊंचे दर्जे के सेवक लोग हैं, साधारण सेवक लोग नहीं है, साधारण सेवक क्या मेरे जैसा चला जाएगा, मैं तो साधारण सेवक हूं। ये लोग भविष्यद्वक्ताएं हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, इनके मुंह से बड़े बड़े शब्द निकलते जरूर है, लेकिन उसकी भावनाएं गलत है। मनुष्य की भावनाएं, मनुष्य की कल्पनाएं व्यर्थ है, मिथ्या है, सब प्रभु जानता। अर्थात मेरा मन से जो भी मैं डालता है आपके सामने, प्रभु के तो उसको सुनो ही मत, मेरे जेब से जो डालता है वो बात को सुनना नहीं है। कितना भी मशहूर क्यों ना हो, कितना भी वचन जानने वाला क्यों ना हो, कितना भी अभिषिक्त क्यों ना हो, कितना भी वरदान प्राप्त क्यों ना हो, प्रभु कहते
सुनो मत उसकी, क्योंकि जो मुझसे आया वो नहीं, उसको उसको प्रेरणा देने वाली जो सोच है वो गलत है। समझ में नहीं आया मुझको? आज लगता है कि इधर दो तीन अच्छे अच्छे लोग आए हैं, समझो अच्छे अच्छे लोग आप तो बहुत अच्छे महान लोग प्रसिद्ध लोग जो हमेशा नहीं आते चांदी को बैठा अनिल भी यहाँ बैठे हैं और कुछ भी बड़े बड़े लोग सब इधर आए हैं। तुम्हें प्रार्थना करूंगा जरूर प्रभु आज अच्छी तरह प्रचार करने के लिए मुझको कृपा दे और मैं ऐसे वचन भी लूंगा अभिषेक सारे बंधन को तोड़ देगा। सुंदर वचन अभिषेक जो आपको तोड़ेगा भैया सिर्फ वचन देंगे क्या करेगा उसके विषय में बात करेगा तो वो भाषण बहुत अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगेगा अभिषेक जो आपको तोड़ता है प्रभु कहते हैं सुनो मत इसका, इसको कुछ सुनने का नहीं है कि उसका मन का विचार गलत है। ये मन की बात बताता है, वो लोगों के ऊपर प्रभाव डालने को देखता है। मन की कल्पनाएं कहते वो लोग जो लोग ऐसे बातें करता है भविष्यवाणी करते हैं उसके लिए कान मत लगाओ क्योंकि तुमको व्यर्थ बात सिखाते ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुंह की नहीं अपने ही मन की बातें लेकिन कहते क्या है मैंने दर्शन पाया। ये दर्शन जो है अगर पवित्र आत्म पवित्र परमेश्वर के हृदय को अपनाए हुए मनुष्य में नहीं है तो वो सिर्फ कूड़ा है कचरा है सिर्फ कचरा है। आपके सपने में मदर मेरी आता होगा मिखाइल दूध आता होगा यीशु आता होगा कोई भी आने मतलब नहीं क्योंकि प्रभु को वचन में लिखा है कि लूसीफर भी ऐसा ही आएगा। कैसे आएगा? लूसीफर के साथ आएगा वो काला कपड़ा पहन के आएगा वो यीशु के रूप में आएगा ना मदर मेरी बन के आएगा ना सनी ब्रदर बन के आएगा ना। कुछ लोग हैं इधर नहीं अच्छा होगी इधर नहीं कुछ लोग बाहर ही वो लोग दर्शन में मैं जाता कौन और यीशु कहता ये मेरा पत्र से क्या है ये मेरा पत्र बड़ा खुश होता है बोलते मेरे दास को सुनो दास उसको कुछ बोलता और वो फोन करके बोलते मैं बोलेगा मैं इधर नस्तिक होता तो मैं पूरा मार मार के तुम्हारा दांत निकाल देता तो चुप भाई मैं समझना ये सोच बदलेगा भावनाएं बदलेगा कल्पनाएं बदलेगा तो प्रभु के चित्त के बात को जानेगा बाकी सब मिथ्या है व्यर्थ है सुनने को अच्छा लगेगा बोलने को भी अच्छा लगेगा लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग व्यर्थ बात सिखाते हैं वो दर्शन का दावा करके यहोवा का मुंह की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्य दत्ता सदा करते रहते हैं कि तुम्हारा कल्याण होगा तू इतना मुठ से जीतेगा तुम्हारा हिस्सा होगा तुम्हारा ये होगा तुम्हारा व्यापार में तू बनाई। अरे बोलो प्रभु के सामने झुको ये दुकान खोल रहे उसके लिए प्रार्थना करो करोगे मेरी बेटी का निकाह है उसके लिए प्रार्थना करो करोगे तेरा कल्याण हो प्रभु को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये पास्टर को मालूम है प्रार्थना करेगा तो वो थोड़ा
पेट भी देगा देगा, नहीं देगा तो प्रार्थना करने को जाने का भी नहीं है, फुकट में खर्चा करके नहीं जानेगा। बाइबल में लिखा है जो सेवा करते हैं वो सेवा से हाँ सेवा की मजदूरी मिलना ही चाहिए, कोई गलती नहीं है। सोचे भी होने दो ना यार, अपना अब्दुल्ला भाई है ना तो बने दे, उसका कल्याण तेरा कल्याण होगा। प्रभु तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मैंने सब सुना है, प्रभु तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारा व्यापार में तो बहुत है। अरे बोलो यीशु तेरे लिए जीवन दिया है, बोलूंगा मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलेगा तो हाँ बहुत कुछ नष्ट होगा मुझको, नहीं है। वो लोग कैसे कहते हैं भविष्य तक सदा कहते रहते हैं, यहोवा कहते हैं तुम्हारा कल्याण होगा, तुमको गाड़ी मिलेगा, तुमको ये होगा वो होगा, तुम्हारा बीमारी चंगा हो जाएगा, तुम्हारा लड़का का शादी भी हो जाएगा, नहीं है। अपने हड्डी पर वो चलते हैं, उनसे कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगा। हाँ ये सुसमाचार बहुत सुंदर है, चंगा ही होगा, विपत्ति नहीं पड़ेगा, आपत्ति नहीं होगा, ऐसे अपने मन की सोच के अनुसार वे लोग कहते तू नहीं सुना। प्रभु का वचन कभी कभी टुकड़ा टुकड़ा कर देते, उसके सामने तोड़ दिया जाना अच्छा है। बहुत सुंदर सुंदर शब्द सुनने से अच्छा, कभी कभी प्रभु का वचन जो हथौड़ा है उसके सामने खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, वो आपको तोड़ने दे, रूपांतर हो जाएगा, चुंच बदलेगा हमारे मन की भावना के अनुसार, मेरे सोच के अनुसार। मैं सलाह नहीं दूंगा, मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं अपने आप को चलाऊंगा नहीं, मैं कदम नहीं उठाऊंगा, मुझे पता चला परमेश्वर के हित के लिए मैं प्रार्थना करेगा तो भी परमेश्वर अपने हित को प्रकाशित नहीं करके देगा जब तक मैं मेरे सोच और कल्पनाओं को मार नहीं डालता। इसलिए अनेक लोग मेरे समान पे बेवकूफ लोग सुनते कुछ और लगता परमेश्वर की ओर से है, जरूरी नहीं है। मैं कहता प्रभु मुझे राज दिखा, तो मेरे हृदय में पूरा पूरा समर्पण होना कि जो भी दिखाएगा, जो मेरे हित के विरोध में है, जिसको मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता, उसमें मैं चलूंगा। मैं कई बार बताया जिन्हें जमाने में मैं थोड़ा सा ठीक इंसान था, तब मुझे इंजीनियरिंग नहीं करने का, जो करने का है वो इंजीनियरिंग नहीं करने का, मुझको हृदय का आग्रह डॉक्टर बनने का, अगर डॉक्टर नहीं बन सका तो नर्स बनना, ये सब मेरे बचपन का आग्रह है। अब चिंता मत करो अभी मैं नहीं बनूंगा, आपको इंजेक्शन नहीं दूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने प्रार्थना किया उस दिन, जिस दिन मैं एडमिशन के लिए जा रहा था, मैंने प्रार्थना किया, मैं बोला प्रभु तू जो चाहता है तैयार है। वहां का प्रिंसिपल एक पादरी है, मेरे बड़े भाई मेरे साथ में था, मेरे बड़े स्टाइल में एप्लीकेशन लिख के लेके गया, फॉर्म भर के डॉक्टर बनता है ना, मुझे पूछते भी नहीं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उसने कहा तू बहुत अच्छा एक इंजीनियर बनोगे, मैंने उसको कुछ बोला नहीं, मैं बोला प्रभु ठीक है प्रभु, हम तो ऐसे ही है, तू मुझको ऐसा ही चलाता। अगर मैं डॉक्टर बनने का आग्रह रखकर मैं प्रार्थना करता तो मेरे हृदय में वही अगुवाई आएगा, तो डॉक्टर बनो मैं बनूंगा, इतना जल को मार डालता था मैं। डॉक्टर और इंजीनियर में क्या फर्क है, एक बार मैं सिखाया था, आप लोग भूल जाते हैं, आप लोग वचन सिर्फ याद रखते हैं, बेकार की चीज आप भूल जाते हैं, अच्छी बात है। डॉक्टर और इंजीनियर का सबसे बड़ा गलती क्या है, सॉरी फर्क क्या है, हाँ बोलो बोलो, ये इंजीनियर अब बोल, वाह याद इसको, अच्छा याद है इसको, डॉक्टर की गलतियां गाड़ दिया जाता। अरे तुम बोल रहा है क्या यार, तुम लोग को कौन सा ट्यूबलेट है, सबके सामने कुलम कुलम नंदा,
अरे वो बिल्डिंग देखना टेढ़ा है नहीं है, अरे ये पुल देखना कल गिर गया नहीं है, सारे करते हैं इंजीनियर के ऊपर, इसलिए मैं इंजीनियर नहीं मिलना चाहता था। ऐसे बहुत समझ भी आने जॉब से पार्ट मैं इन दिनों में जो चीज दोबारा सीखा वो मैं आपके सामने देखना चाहता है। ये चीज को खाली करोगे ना परमेश्वर की भावना ये मांग कर ये कभी को बल देगा। खंडों तक प्रार्थना करके ये नहीं बदलेगा, इसको खाली करेगा तो भर दिया जाए। मेरे विचार मिथ्या, मेरे सोच गलत है, मेरी कल्पना ये मनुष्य का है, इसलिए मनुष्य उसके कल्पनाओं को नहीं जानता, उसके विचार को नहीं जानता, इसलिए मैं हमेशा पीड़ित रहता, इसलिए मैं भयचकित रहता, इसलिए मुझ में गुस्सा है, इसलिए मेरे दिल में कल के विषय में संदेह है, वरी है, चिंता है। परमेश्वर के हृदय को जानता तो उसका हृदय भर गया है, मेरे विषय में उसके दिल हृदय में बहुत सपना है। जब यूसुफ के ये यूसुफ क्यों बार बार आता, वह मूसा का आता था ना पहले, उसे को छुट्टी दिया, ये मूसा को क्या है जनवरी में छुट्टी ले लेता आदत है, डॉक्टर को छुट्टी में जाते जनवरी में, मालूम है क्या आपको, नहीं मालूम है ठीक है, जाने डॉक्टर मूसा छुट्टी पर है, यूसुफ भाई आया, जब ये लोग आता ना उसके पहले यूसुफ भाई जब प्रधानमंत्री बना इतने अनाज बटोर के रह गया, उसको पता था पूरा दुनिया में अकाल पड़ने का, मेरे परिवार कहा, मेरे भाई लोग आएगा मुझको उसको खिलाना है, इतना ही नहीं उसको खिलाना है, सुंदर जगह मिस्र देश की अति सुंदर जगह गोशेन देश में उनको बसाना, ये उसके हृदय की कल्पना है। याकूब नहीं जानता, यासुब का संदान नहीं जानता, इसलिए वो लोग डरते हैं, थरथराते हैं, दिल में इतने विचार इतने सोच, परमेश्वर की कल्पनाएं कितने उच्च है, परमेश्वर के विचार इतने महान है, इतने गंभीर है, आपके विषय में मेरे विषय में जन्म से वो बात समझने के लिए प्रभु हमारे आत्मिक दाइनों को खोलता, बात बदलते पिछले द्वार को हमने सुना, कभी यूसुफ के बारे में कभी नहीं पूछता कि हमें गोशेन देश दे, नहीं पूछ सकता, यूसुफ के हृदय में उसके विषय में वही सपना है, हाय प्रभु तेरे विषय में तेरे हृदय की सोच कितनी महान और कितनी ऊंचाई का है, मैं नहीं समझता। हम हमारे मन की बात को नहीं मानेंगे, एक छोटे बच्चे ने बहुत साल पहले कुछ तो बात कर रहा था, तो मैंने उसको कहा कि छोटा लड़का, मैंने उसको बोला आई ट्रस्ट यू, क्या है मैं तेरे ऊपर, उसने कहा अंकल अंकल नहीं आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ, क्या है मैं मुझ पर कभी भर, मैं बोला इसीलिए मैं भरोसा रखता हूं, लड़का ऐसा देखता हूं मुझको, वो खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं रखता, लेकिन मैं उसको पता है कि मैं परमेश्वर का दास हूं, मैंने कहा मैं भरोसा रखता हूं, लड़का मुझको खुद पर भरोसा नहीं है, मेरे मां बाप को भरोसा नहीं है, मेरे दोस्त लोगों को भरोसा नहीं है,
फिर आप क्यों? मैं बोले इसलिए भरोसा रहता है, मैं मेरे विचार के ऊपर नहीं जाता, मैं मेरे सोच के ऊपर नहीं जाता, मैं मेरे मन के बात के ऊपर नहीं जाता, लेकिन मेरे परमेश्वर की कल्पना ये भावना ये जो मेरे विषय में है उसको अब समझता हूँ। धीरे धीरे यूसुफ उसको प्रकट करके देता, यूसुफ उसको बताता, यूसुफ ने पहले पैसा रख के दिया नहीं है, उनको बताया कि देखो तुमसे दाम लेकर तुझे खिलाने वाला मैं नहीं हूँ, उपत में जो भी मेरा है वो तेरा है तो समझ ले। उसके समझ में नहीं आएगा, दोबारा उसने खटोली रख के दिया नहीं है, जो राजा पीता है जो प्रधानमंत्री पीता है उसमें तू पियोगे, उसका सोच वो है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब आपके बारे में कुछ भी सोचता होगा लेकिन प्रभु कहता तेरे विषय में मेरी सपना ये अलग है, ऊंचाई की है, मेरा सोच अलग है, मेरी भावना ये अलग है, मेरी कल्पना ये अलग है, मेरी योजना ये अलग है, मेरा प्रबंध अलग है। मनुष्य नहीं जानता, my thoughts will be taken captive by the spirit of the Lord. मेरे सोच और मेरी भावनाएं कैद किया जाएगा। पवित्र आत्मा उसके ऊपर प्रबल होने लगेगा, परमेश्वर के सोच मुझ में आएगा, मेरे काम जो परमेश्वर के सोच से प्रभावित होता, मैं एक अलग मनुष्य बनता। शाउल को शमूएल ने चुन लिया राजा बनने के लिए, लेकिन शाउल तो इतने नकम्मा एक मनुष्य है, कुछ भी काम बड़ा काम किया नहीं है, और वो तो किसको ढूंढ के चलता था, कोई अवसर उसको देता, बहुत समय से उसको गद्दा बुलाने का अवसर नहीं दिया, उसने उसका फायदा उठाया, वो गद्दे को ढूंढ कर चलता, पाया है क्या? नहीं, वो भी नहीं पाया। इतना डरपोक इंसान है, ऊंचा है, हैंडसम है, क्या फायदा है डरपोक है, मैं नाटा हूं मोटू हूं। ते दोनों चीज आपने पढ़ लिया, मैं डाटा हूं मोटू, मैं आपको देख लूंगा, ये सब जाय मुझे मैं देख लूंगा। सुना ना, मेरी बेटिया इधर बैठा है, बोलो सिंहील हो गए, फाड़ देगा। क्या कहते थे शाउल को? शाउल कहता तू जा, नबियों का झुंड दिखाई देगा, उसके संग चल, तेरा सोच बदलेगा, तेरी भावनाएं बदलेगा, तेरी कल्पनाएं बदलेगा, तू एक अलग इंसान बन जाएगा। कितना परिश्रम किया था, कितना उपवास किया था, अरे पवित्र आत्मा के संगति में बैठ कर उसकी सोच मेरा बन जाएगा, उसकी कल्पनाएं, उसकी सपनाएं, उसकी भावनाएं तेरा बन जाएगा। शमुल को नहीं कहता, अगर तुझे अगला कदम बढ़ाना है तो मेरे पास आकर सलाह ले, नहीं कहता, बलि चढ़ाओ, नहीं कहता, मंदिर में जाकर प्रार्थना करो, नहीं कहता, जो मन में आए तू कर ले, ऐसा बल मेरा हो जाए प्रभु, जो मैं करता तेरे काम के अनुसार होगा, तेरे काम कितने महान है प्रभु, लेकिन मैं जानता हूं उसका कारण तेरे हृदय की कल्पनाएं अलग है, मेरा तो मिथ्या है, व्यर्थ है। शाउल जैसा मनुष्य वो परमेश्वर के करीब होकर चलने वाला एक मनुष्य नहीं था। कितना शिक्षा देना चाहिए तो उसको, शमूएल ऐसा मत कर, ऐसा कर, ये कपड़ा मत पहन, वो पहन, आईब्रो शेव मत कर, नहीं है तू बाल को कर मत, ऐसा कितने चीज से करना चाहिए, ये निकालने का वो डुक्कर है वो निकालने का, नहीं ये कौवा उसको निकालने का, कितना कितने
कुछ नहीं है, सब खराला बना खुश थी। पवित्र आत्मा के संग चलोगे, हमारा बना तू जो करेगा वो प्रभु का खाती सा होगा, सोच बदलेगा, पौधे को देखेगा अलग रीति से तू समझेगा, बात को कुष्ठ रोगी को देखेगा अलग रीति से समझेगा, तू भविष्य को देखेगा, बहुत तकलीफ वाली बात होगी, संतान के विषय में इतना बोझ लेकर चलता होगा, नौकरी के विषय में इतना बोझ होगी, भविष्य के विषय में इतना चिंता होगा, खुद स्वास्थ्य के विषय में बहुत चिंता हो सकता, शादी के विषय में हो सकता। प्रभु कहता तेरा सोच में जानता वो मिथ्या है, मेरा सोच तेरे मन तेरे विषय में जो है वो ऊंचाई का है, वो महान है, वो अति श्रेष्ठ है, वो अत्युत्तम है। प्रभु कहता All his deeds are controlled by the thoughts of his heart. उसके हृदय के विचार के अनुसार वो कार्य करता, मेरी कुटिली ना देख कर नहीं करता, मेरे गिरावट के कारण नहीं करता, मेरे सत स्वभाव के कारण नहीं करता। हालेलुया, उसके हृदय में मेरे विषय में एक सपना है, एक कल्पना है, एक भावना है, एक विचार है, उसके आधार पर वो करता, उसके आधार पर वो कहता है। इसलिए कहते मन की बात मत सुना, आगे बढ़ते हैं। अब पति में आ गया, खत्म हो गया, फिर तारली सुना है, तारली हाँ सुना है, मलयालम में पति बोलो तो तारली करो, अभी बोलने को डर लगता है, तो मैं मत्ती लिखा ना, मुझे तारगी फ्राई मेरे सामने आया, मैं सोचा कितना दिन हो गया, अभी आप तारगी फ्राई करके इधर पद लिख के मैं नहीं करता, डर लगता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, नहीं, अपने शरीर के लिए क्या पीने के लिए, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है क्या, नहीं है, सॉरी प्राण भोजन से और शरीर से बढ़कर नहीं है। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोलते हैं, न काटते हैं, न कंथों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। मैंने सोची आकाश के पक्षी और मुझ में क्या फर्क है, वो चिंता नहीं करता। आकाश का पक्षी मेरा जैसा जन्म होता नहीं है, मेरे जैसा बढ़ता, मेरे जैसा परिश्रम करता नहीं है, वो कारण ढूंढ कर जाता है, वो बच्चों को पालते हैं, नहीं करता, नहीं करता, और वो एक दिन मरता है, नहीं है। मैं भी घर बनाने का प्रयास करते हैं, मैं भी बच्चों को पालते हैं, और मैं भी काम करता है, मैं भी परिश्रम करता, मैं मरता, मुझ में और उनमें एक फर्क है, क्या है वो, मैं चिंता करता हूँ। यीशु ने सिखाया, यीशु ने सिखाया, वो कल के बारे में नहीं चिंता करता, कल के बारे में चिंता करने का अधिकार हक सिर्फ एक को है, वो प्रभु का है, मेरे मनोभाव को बदलने के लिए होगा, मेरे भावनाओं को बदलने के लिए होगा कि प्रभु ने मेरे आंखों को खोल दिया, मेरे आत्मिक आंखों को, ये सब चीज देखने के लिए। जब मैं देखता हूं कहता क्यों क्यों चिंता करते हो, शरीर के लिए क्यों चिंता करता है, अभी शरीर के लिए चिंता करना गलत है क्या, प्रभु कहते मत करो, तो अपने आप को सजाने का नहीं है, देखते दोबारा देखते सही बोला है क्या गलत बोला। मैंने कई बार आपको ये बात बताया है, मुझको बहुत बुरा लगता था मेरा रूप, एक तो मैं कालिया, हमारे देश में कालिया लोगों का ज्यादा पाव नहीं है कालिया, तो मैं कभी कभी आईना में देखता जो बुरा लगता। मैंने कई बार प्रभु को पूछा भी है,
आप हंसते कि मुझको ऐसा क्यों बनाए। उसका उत्तर नहीं मिलता। बाद में मुझे लगा, वो कहानी मैंने बताया, एक फिल्म एक ड्रामा में मुझे एक्टिंग करता, मैं एक्टिंग करता था, मैं उसका हीरो था, तो टीचर लोगों ने कहा ये कालिया को क्यों बनाया, तो दूसरा जोल्ट आया, दूसरा बम, तो मैंने नाटक ही छोड़ दिया ड्रामा, इसलिए ड्रामा में लिया नहीं ना मुझको, देखा ही नहीं, अच्छा नहीं दिखता था, अच्छा अच्छा चेहरा सुन के ले लिया, वो गरीब बेटी ठीक सच बोल। जिस दिन प्रभु मेरे जीवन में आया, ये सारे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहां चले गए मेरे दिमाग, उसके बाद अब तक वो सोच मुझको तक पता नहीं, इसके कारण है तकलीफ है, लेकिन मुझको परवाह नहीं है। क्या शरीर है, अविश्वास करो ना करो, पढ़ाई में भी मुझे बहुत चिंता था, लेकिन जिस दिन प्रभु मेरे जीवन में आया मुझको कोई परवाह नहीं है। मैं इंजीनियर बनेगा चलेगा, मैं डॉक्टर बनेगा चलेगा, मैं फेल होगा तो चलेगा, मैं पास होगा तो चलेगा, क्योंकि मैं चाहता मैं उसका सत्तान है, बड़े कीमती मान है। अभी सब बदल गए, मैं पहले की बात कर रहा, जब आपका सोच बदल जाता है, मैं सोचा प्रभु क्या फर्क आया मुझमें, तभी भी मैं तुझसे प्यार करना चाहता था, अभी मैं तुझसे प्यार करना चाहता, तभी भी मुझको तेरी सेवा करने का था, अभी भी सेवा करने का, फर्क क्या है? फर्क मैंने पिछले दिन मुझे पता चला वो ये है, मेरी भावनाओं में फर्क आया, मेरे सोच में फर्क आया। आई वॉन्ट टू रिटर्न, आई वॉन्ट टू गो बैक, एंड आई विल गो बैक, मैं वापस जाऊंगा, मैं वो जगह पे जाऊंगा जहां मेरा सोच उसका सोच बने रहे, मेरी भावनाएं उसकी भावनाएं बन कर रहे, मेरी कल्पनाएं उसकी कल्पनाएं बने रहे। बोलते कि देखो पक्षियों को देखो, नहीं फूलों को देखो, झाड़ों को देखो, वे लोग में और मुझ में इतना ही फर्क है कि बोलो चिंता नहीं करता नहीं है, वे ना बोते ना काटते ना कत्तों में वो ढोते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखता? ये क्या बात है कि उसकी सृष्टि है वो सब, उसके लिए उसके हृदय में कोई स्थान नहीं है, और कहते हैं उसके लिए मेरे दिल में जो कल्पनाएं हैं वो तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं हैं उसकी तुलना में बहुत छोटा है, तुम्हारे विषय में मेरे सोच गंभीर है। वही परमेश्वर का दास कहते हैं, प्रभु जब मैं देखता मेरे विषय में तेरी जो कल्पनाएं हैं वो अति ऊंचाई की है, कल्पना के अनुसार मैं भी सोचने लगे तो मेरा चिंता दूर हो जाएगा, कल के विषय में भी इतना भयभीत नहीं होगा, मेरा करियर उसके हाथ में। मैं कभी लोगों को इसे कहता बेवकूफी की सलाह है, केलेंडी में एक बहुत बड़ा एक अफसर था, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, अभी भी वो काम करता मुझसे उम्र में बड़ा है, वो जाना माना एक आदमी है, और कुछ बड़ा भी गवर्नमेंट का कोई कुछ एडवाइजर वगैरह है आदमी, लेकिन प्रभु में वो दृढ़ है। एक बार ऐसे एक सेमिनार में मैं था, वो था, लोगों की दृष्टि में मैं भी इतना छोटू नहीं है, अभी थोड़ा सा सर्कल में सब बड़ा है, तो लोग सब पूछता करियर, हम लोग को उसको सलाह देने का, ये भी है मैं भी हूं, खड़ा 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 बड़ा बात करते हो, कैसे प्लान करने का, कैसे आपको करियर बढ़ाने के लिए क्या क्या करने का, इससे सब हो गया। बाद में मेरा बारी आया, एक क्या बोलता बोलते चलते रहो, सब लोग देखते हैं, अरे यार किसी बन से इतना बड़ा मैनेजर आया है, वो क्या बोलता है, चलते रहो। बोला बच्चे चलते रहो,
लेकिन प्रभु के संग चलते हो, सोचने का जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु को वचन में लिखता है, मैं एक लड़का था, अब मैं बुड्ढा हो गया हूँ। मैं भी कहता, मैं भी एक लड़का था, मैं बुड्ढा हो गया हूँ। मैं कहता चलते रहना हमको सिर्फ, और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना, चिंता नहीं करना। अगर मैं जो ब्रह्म के जो समुद्र तो आपके सामने मैं खड़ा रहता था क्या? रहता था क्या? चार शादी करता था अब तक, मेरी बीवी का क्या होता था पता नहीं। प्रभु मुझको जो ब्रह्म नहीं बनाना चाहा, मैं संतुष्ट हूं कि उसने मुझको सन्नी कुरला भी नहीं बनाया। माफ करो, माफ करो, प्रभु की योजना अलग है। हर एक व्यक्ति के विषय में उसका सोच है, हर एक व्यक्ति के विषय में उसके दिल में कल्पनाएं है, भावनाएं है। हमारे विषय हम जो सोच के रखा है, हम जो साधते हैं, वो सब मिथ्या है, प्रभु जानता। लेकिन प्रभु की कल्पनाएं है, प्रभु की सपनाएं है। इसलिए कहते हैं कि देखो ना ये पक्षियों को देखो, उसके लिए अगर मैं इतना कुछ करता, तेरे विषय में मेरे सोच उससे कई गुना कई गुना बढ़ते। पक्षी के विषय में प्रभु में इतना ही सोच है, उसको खिलाना पिलाना है बस, मेरे विषय में वो नहीं है। वो मेरे लिए ऊंचाई के स्थान को आरक्षित करके रखा है। He has reserved a higher seat for me. Amen. And is waiting for the day when I will be prepared to be seated on that. वो चाहता, वो कुर्सी पर मुझको बिठाने के लिए वो मुझको तैयार कर रहा है। वो यहाँ की कंपनी की कुर्सी नहीं है। मैंने पिछले दिन में याद किया जो बात प्रभु ने हमको उसको समझाया था, एक मनुष्य के लिए है। वो पूरा देश के रीति को बदलता है, एक मनुष्य के लिए, क्योंकि वो मनुष्य के विषय में परमेश्वर का सोच इतने महान है, इतने ऊंचाई का है। इसके लिए प्रभु ने पिछले दिन हमको समझाया, तेरे लिए मैं मिस्र को दूंगा, कूश को दूंगा, दुनिया को छोड़ दूंगा। पोटीफर नामक जो अधिकारी था वो परमेश्वर का बड़ा प्रिय था, नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको, उसके खेत को, उसके भवन को बहुत तरह से आशीर्वादित किया। क्यों? यूसुफ के कारण। अरे यूसुफ के कारण, यूसुफ के ऊपर आशीर्वाद बरसाने के लिए वो जहां है, वो जहां वो है, वो पूरा जगत को आशीर्वादित करेगा, उसको प्रगति देगा, संपद बनाएगा। वो पोतीफर की पत्नी बहुत अच्छी थी, उसके लिए उसको पर अनुग्रह है। मैंने आई बाद में स्नान लेते वक्त ये कहानी मेरे सामने, मैं बोला प्रभु मुझको ऐसा बना दो, मेरा दुश्मन आशीष पाए, मेरा दुश्मन को ये पहचान में आए, समझ में आए कि मेरे कारण वो आशीष पाता, मेरा मित्र आशीष पाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरे दुश्मन आशीष पाए, इसने मेरे दिल को तोड़ा, वो आशीष पाए। जिसने मुझको दुख दिया वो आशीष पाई। मैंने कहा प्रभु ये मेरे जीवन में करके दिखा तू, तो मैं मानूंगा मैं यूसुफ हूं। आमेन, 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 आमेन। सोच बदलता है, विचार बदलता है, भावनाएं बदलता है, कल्पनाएं बदलता है। चिंता छोड़ देता क्योंकि परमेश्वर ख्याल करता, और उसका विचार जो मेरे विषय में है वो अति ऊंचाई का, वो गंभीर है। So profound is his thought concerning me। अब आगे बढ़ते हैं, हमें कहाँ जाना है? तेरा मेरा, चलो आप आपका अवसर में मिला। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है
जो वचन को सुनता है वह इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन सुनकर समझता और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। वचन गलत सुना था क्या? नहीं, सही सुना था। ये झूठा भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से नहीं सुना बोला कि ऐसा सुना था? नहीं, सही वचन, सही वचन, सही मुंह से, नहीं सही मुंह से सुना, सही वचन सुना। और वो वचन को मैंने तिरस्कार किया? नहीं, बड़े खुशी से अपनाया। ये वचन मैंने दिया है, मैं कभी प्रभु को वचन को तिरस्कार नहीं करता, बड़ी खुशी से ग्रहण करता उसको। थोड़ा बहुत समझता भी हूँ प्रभु की कृपा से, मैं उसको स्वीकारता, ग्रहण करता। और ये बीज सड़ गया क्या? नहीं। मेरे जीवन में वो कार्य करने लगा, बीच में चिंता, इस जगत की चिंता, सही बीज को सही समय पे बड़ी खुशी से मैंने अपनाया। द वर्ड ऑफ गॉड गिवन एट द राइट सीजन from the right man, I received the same right spirit and it started working in me. I started responding to the word. I started moving ahead with that. Beach me, my thoughts changed. I started worrying. Beach me chinta aya man me. Agar Prabhu ne sach much ये किया होता तो अब मेरे जीवन में ये तकलीफ क्यों, ये परेशानी क्यों? अगर मैंने सही कदम उठाया तो ऐसे क्यों? कल मेरा क्या होगा? संसार की चिंता नहीं, संसार की चिंता और धन का धोखा के कारण ये जाड़ दबाया जाता है, फल नहीं लाता। मुझे लगता था वचन को स्वीकारा नहीं इसके लिए फलवंत नहीं है, अभी भी वचन से प्यार रखता, सब कुछ छोड़ दिया, त्यागा, नहीं मैं जिंदा हूं लेकिन कांटों के बीच में है। क्या ये कांटे? चिंता है, सोच है, गलत भावनाएं है, गलत कल्पनाएं है, गलत सपनाएं है, उसमें दबा हुआ हूं, मैं छोड़ता नहीं है, मुझे फलवंत होना है, इसलिए कुछ कुछ फल दिखाई भी देता है लेकिन वो बेकार है। छोटा सा चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वचन को स्वीकार तब तो मेरा आंख खुल जाता, उसमें मैं पढ़ता प्रभु को वचन, बहुत सारा वचन क्योंकि इतवार को पढ़ने को नहीं मिला, उसमें लिखा है तेरा नजरे खोल के देखो तुम्हें बहुत ऐसे आहार मिलेगा। प्रभु को वचन है, आहार पाकर मैं बढ़ते फलवंत, इसलिए नहीं कि मेरे आंख के लिए खोल दिया गया था, फलवंत इसलिए नहीं कि परमेश्वर का वचन को मैं नहीं समझा था, फलवंत इसलिए नहीं कि मैं संतों के मुंह से नहीं सुना था, इसलिए नहीं कि मेरा सोच गलत हो गया, चिंता आ गया, भावनाएं गलत, कल्पनाएं गलत, इसलिए मैं फलवंत नहीं होता, स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, मैं स्वर्ग जाएगा, वचन नहीं सिखा सकूंगा, मैं जानता वचन में सिखाऊंगा, भाषण नहीं दे सकूंगा, मैं भाषण दूंगा, प्रचार नहीं कर सकेगा, मैं प्रचार करूंगा, लेकिन मैं फलवंत नहीं। पता नहीं आज प्रभात की मेरी प्रार्थना वो है, पोतीफर के घर में तू करके दिखा, पोतीफर के घर में मुझे फलवंत होना है, याकूब के गोद में मैं बैठा था तब मैं फलवंत था,
याकूब के गोद में जब मैं बैठता था, मैं फल वंदता, मैं दर्शन देखता था, मैं स्वर्गीय दर्शन देखता था, पिताजी के प्यार करता, पिताजी का लाडला था मैं, नहीं है था, लेकिन पोथी पर के घर में तू ये स्थापित करके दिखा, पत्ती घर में तू ये स्थापित करके दिखा। भावनाओं की बात है, कल्पनाओं की फिलिपियों चार। आप लोग ये बैठने को बराबर चार्ज नहीं करता। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो। तुम्हारी कोमलता कलीसिया में प्रकट होनी चाहिए, नहीं सब मनुष्यों पे। अयो मैं सोचा कलीसिया में आएगा तो मैं कितना नम्र मनुष्य है, कितना प्यारा है, नहीं प्यारा तो नहीं, अभी नहीं चाहिए सब इसको, 5-6 घंटा मिनिमम चार्जिंग चाहिए। मैं सुबह 8:30 को चार्ज कर लेता, 6 बजे तक चार्ज करता हर शनिचर को, इसलिए उधर बम बम आवाज, ठीक है। अरे मैं बेकार बैठता एक आदमी, आप लोग कितने काम करते उसके बीच में, ये सब करते तो मैं झुक कर धन्यवाद देना चाहिए, फिर भी चिल्लाते रहता सब मनुष्यों के सामने, सब मनुष्यों के सामने मेरी कोमलता जब प्रकट नहीं होती है उसका मतलब है मुझ में चिंता है, चिंता मुझको तड़पाते नहीं है, ये चिंता के कारण है ये, और क्या सोचेगा, ये क्या बोलेगा, नहीं है मेरे विषय में। इसलिए कभी कभी मैं नम्र बनने का प्रयास भी करता, लोग बोले कि एक आदमी मुझको कहता था मैं मरने के बाद लोग ऐसे आने का, मरने के बाद ये दिखाई नहीं देगा, वही प्रॉब्लम है, हम लोग उसको वीडियो शूट कर ले, बालम भाई कर ले तो बालम भाई भेजेगा कैसे उसको, बड़ी गंभीरता से कहते हैं मैं मरने के बाद सब लोग आकर इधर कहना चाहिए कि ये अच्छा मनुष्य था, क्या है अच्छा मनुष्य था। मैं भी कभी कभी ऐसे सपना देखते हैं, मैंने लाश ऐसे पड़ा है और आप लोग आके रोते मुझे क्या अच्छा लगता, बात बताओ जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ उसके शवदाह के लिए कुछ कंपनी के डायरेक्टर लोग आए थे, वो लोग हमारे साथ नहीं था, दूर उधर खड़े थे गाड़ी में, उसमें से सोनी म्यूजिक का कंपनी के डायरेक्टर भी था। ये हो गया, हम लोग एक गीत गाता था, भाई लोग सब मिलके चिल्ला चिल्ला कर गीत गाया उधर खड़ा रह के, इसने मेरे एक डायरेक्टर को बुलाया, ये आदमी जो गुजर गया ये कौन था, बोले सनी का बाप, सनी का बाप मैं जानता हूं लेकिन ये था कौन, इन लोगों का चेहरे पे लिखा है कि इससे इतना आदर इतना प्यार है, हमारा सबसे उदाहरण में लोग आके एक कब खत्म होएगा वो देखते हैं इसे देखते हैं, खास कर मेरा सौदा वैसा होता तो ये अच्छी बात है, सौदा सब अच्छा ही है, लेकिन वो सब छोड़ो, मरने के बाद को क्या कहे ना कहे, मारो गोली अब, पोती पर बोलना चाहिए, बंदी करके लोग बोलना चाहिए, तो डूबने वाली जहाज के लोग बोलना चाहिए, कैरियर्स है, कैरियर्स बोलेगा तो वाहक, वाहक शब्द जानते हो वाहक, मैं किस तरह का वाहक हूं, मैं खुशी का वाहक हूं, मैं कलीसिया में कदम रखता हूं,
मैं खुशी लेकर आता, मैं प्रेम लेकर आता, मैं शांति का वाहक हूं। अगर मैं चिंता से बेहोश से दबा हुआ इंसान है तो मुझसे आप क्या खुशी पाएंगे, क्या आनंद आपको चिल्ला चिल्ला के भाषण देके मैं चले जाऊंगा, नहीं है। कहते आनंदित रहने के लिए एकमात्र मार्ग है, सिर्फ वचन जानने से नहीं होता, अभिषेक पाने से नहीं होता, अन्य भाषा बोलने से नहीं होता, दर्शन पाने से नहीं होता। मेरा चिंता दूर हो जाए और परमेश्वर की भावनाओं को मैं अपनाए, वही एकमात्र मार्ग है। दोबारा पढ़ के इसको खत्म करो। प्रभु में आनंदित रहो, सदा रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। धन्यवाद इसलिए आता, प्रभु ने मेरे लिए महान चीज सोच के रखा है, इसलिए धन्यवाद, इसलिए धन्यवाद, इसलिए धन्यवाद। क्यों मैं धन्यवाद दूं, मेरी सब तकलीफ, मेरे सब परेशानी, पीठ दुखते, गला दुखते, दांत दुखते, ये दुखते, वो दुखते, नहीं है, क्या धन्यवाद है। प्रभु की सोच अलग है, प्रभु की योजना अलग है, प्रभु ने मेरे लिए कुछ भविष्य की बात को देखा है, ये चीज बात को बदलता है। तब मुझमें से धन्यवाद की बलि, धन्यवाद की स्तुति उठते हैं, तब मैं आनंदित किया जाता हूँ। तकलीफ नहीं है उसके कारण नहीं है, अग्रभाग में बहुत सारी चीज मेरे सामने से निकल गया, इतने तरह की बीमारियां, इतने तरह की परेशानियां, इतने तरह की दर्द मैंने चुपचाप सह लिया, मेरे बीवी को भी नहीं मालूम। लेकिन प्रभु ने कितने अद्भुत रीति से उन सारे चीजों से प्रभु ने मुझे बाहर ले आया। इतना दर्द सहकर मैं इधर बैठता और मैं हंसता, धन्यवाद उसके लिए है, चंगाई पाया उसके लिए नहीं है। ये दर्द के बीच में तो मुझको इतना उत्साह देता, उसके लिए धन्यवाद था। ये कमजोरी के बीच में है, प्रभु मुझको इतना आनंदित करता, उसके लिए धन्यवाद दो। प्रभु की सत्ता ने हमारी सोच बदल जाएगा, हमारी भावनाएं बदलेगा, हमारी कल्पनाएं बदलेगा, क्योंकि उसके हृदय में जो कल्पनाएं है वो अति ऊंचाई के है और मेरी जो है वो मिथ्या है, उसे प्रभु कहता। हम खत्म करते हैं। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, तुम्हारे विचारों को वो कैद कर लेगा। आमेन। Hallelujah. He will take my thoughts captive. मेरे विचार को, मेरे सोच को, मेरे चिंता को, मेरे भावनाओं को, मेरे कल्पनाओं को पवित्र आत्मा कैद करने का ताकत सामर्थ्य मुझको देगा। तब वो शांति जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो शांति जो मेरे समझ की बाहर, ये शांति जो समझ की बाहर, उसका अर्थ जानते हो? सब लोग जानते हैं, क्योंकि बचपन से हमने वचन पढ़ते हैं, कितने सालों से पढ़ते हैं, नहीं है। लेकिन मैं सोचा कि क्यों न पूछूं मैं आपसे थोड़ा ज्यादा समझ, क्या बोला, कौन सा शांति है वो? परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, सारी समझ से परे है। परे है। ऐसा क्यों कहता? अब एक आदमी बड़े मुश्किल से पढ़ाई किया, अच्छा नंबर लेकर पास हो गया, दिलशाद हो गया, ठीक है। दूसरा व्यक्ति नौकरी ढूंढता, नौकरी ढूंढता, नौकरी ढूंढता, अच्छा कंपनी में उसके एक अच्छा पद पे उसका नियुक्ति हुआ, दिलशाद हो गया। दूसरी माँ बेटी की शादी के लिए तड़प रही थी,
उम्र बढ़ते बढ़ते जा रहे, बात में सब हो गया, पक्का हो गया, उसके शादी हो रहा, तो उसका दिल शांत हो गया, नहीं है? दूसरा व्यक्ति को बड़ा दर्द था, इतना दर्द था, इतना दर्द था, आखिर में एक अच्छा डॉक्टर मिला, दवाई ठीक लगा और वो ठीक हो गया, शांत हो गया, नहीं? ये सब हमारे समझ में आने वाली चाहती है, ये सब हमारे समझ में आने वाली बात है, ये समझ से परे कि शांति है, हमें वहां दर्द है, वहां पराजय है, वहां नष्ट है, वहां क्लेश है, वहां दीनता है, वहां नष्ट है, उसके बावजूद एक शांति है। That is not based on facts of life. वास्तविकता करके शब्द है, वास्तविकता का, वास्तविक वास्तविकता का आधार पर नहीं है, वो भावना के आधार पर है, मन की भावना। प्रभु ने वो शांति हमारे लिए प्रॉमिस किया है, वो शांति प्रॉमिस किया है। हमें लगता है कि जैसा प्रार्थना किया वैसा सरदर्द खत्म हुआ, तब शांति हो गया। हमें लगता है ये एग्जाम लिख का सेकंड रैंक का फर्स्ट रैंक क्यों नहीं, जाने दे किसी को दे देना यार, बड़ा दिलदार है। तो शांति है, वो शांति है समझ से परे शांति, मनुष्य का सोच के बाहर की है, मनुष्य के कल्पना के बाहर की है। ये शांति और ये विश्राम पाने के लिए प्रभु हमारी आंखों को खोल दिया है। हम आगे बढ़ते हैं, कहां जाना हमें, हमें इब्रानी में जाके खत्म करना, समय भी बहुत हो गया। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उसके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। अच्छा शुरुआत किया है, किसके लिए? प्रभु में विश्राम पाने के लिए, बीच में नहीं गिरना है, बीच में उसको नहीं छोड़ना, जो मेरे साथ हुआ आपके साथ नहीं होना। कुछ लोग ऐसे कहते ना, मैंने उद्धार पाया, मैं प्रभु में आया, कभी कभी मुझको लगता है ये कौन सा उद्धार पाया। सही है उन्होंने उद्धार पाया, लेकिन मेरे जीवन में जब मैं प्रभु में आया, मेरे लिए सब कुछ एक अलग चीज था, मैं उसको वर्णन इधर कर नहीं सकता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो मुझको देख कर नहीं कहेगा कि तेरे को कुछ हो गया। मेरी माँ कहती, मेरे स्कूल के सब लोग कहते हैं, मेरे टीचर लोग कहते हैं, पड़ोस के लोग कहते हैं, इसको क्या हुआ, क्या है, मैं तो जमीन पे नहीं था। जब वो गीत गाया तब मुझे याद आया, सब नया होगा, मैं बोला हो गया प्रभु, हो गया क्या है? मेरे लिए जग नया हुआ, मेरे लिए परिवार नया हुआ, मेरी माँ अलग, मेरे बाप अलग, मेरे भाई लोग अलग, मेरे टीचर लोग अलग, आसमान अलग, मुझे लगता है आसमान नया है। I can't explain, I can't describe the heavenly joy that flooded my heart when it came to me. मुझ में वो आया, कैसे मैं वर्णन करूं, सबके जीवन में ऐसा होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। पौलुस तो गिर पड़ा था, मैं नहीं गिर पड़ा, नहीं ना है, पौलुस बहुत अंधा हो गया था, मैं नहीं अंधा हुआ, लेकिन मेरा जीवन में इतने खुशी, इतने आनंद, क्योंकि वो जमाने में मैं इतनी तकलीफ से गुजरने वाला एक अवसर था, हर दिन मेरे लिए बोनस था। मैंने सोचता कि अगले दिन में जिंदा रहूंगा, हर दिन बोनस में जीता मैं, वो समय में इतना खुशी हुआ आनंद, लेकिन बीच में हुआ क्या है? ये कहता है वो विश्राम के लिए बुलाया गया है, बीच में ऐसा कुछ ना घुसने दे, ऐसा कोई सोच ना आए, ऐसा कोई चिंता ना आए, ऐसा मनोभाव बदल ना जाए कि मैं वो विश्राम को नष्ट करूं। मैं हमेशा कहता मुझे तू ले चल, वहां ले चल जहां मेरा शुरुआत था। प्रभु की चाहत अभी भी वही है, उसकी सपना वही है, उसकी भावना वही है।
उद्धार कितने बार पाता है? एक ही बार पाता है। मैं कभी कभी पागल की तरह प्रभु को कहता, आज मेरे उद्धार का दिन बन जाए, पता नहीं मैं सब क्यों कहता। क्या मेरे को भी है? और एक बार इस जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप कर तू उसको नया बनाओ। तो वचन में लिखा है, मैं कुवार के पास गया था, कुवार बर्तन को बना रहा था, उसके हाथ में मिट्टी था, वो बना रहा था, एक अच्छा रूप ले रहा था, बिगड़ गया, मुझे नया बनाओ, नया बनाओ, मेरा सोच को बदल ले, मेरी चिंता दूर किए जाए, मेरी भावना अलग हो जाए, मेरी कल्पना बदल दिया जाए। हार्दिक उद्धार पाता, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखता है नया बनते जाओ, नया बनते जाओ, हर दिन नया बनते जाओ। मेरा एक दिन का उद्धार सिर्फ शुरुआत था। प्रभु कहते पवित्र आत्मा कैसे तूने शुरू किया है, विश्राम पाने के लिए बुलाए हुए लोग, तेरा आंख खोल दिया गया है, तू खोया गया था, ढूंढ लिया गया। अबे अब नबियों के संग चलो, पवित्र आत्मा के संग चलो, हम आगे बढ़ते, तेरा बिना तेरे ये खत्म हो गया था, अब खत्म हो गया सब, तेरा हो गया। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। बस किसी ने मुझको एक वीडियो भेज दिया कि याद नहीं, ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। किसने भेजा, किसने भाषण दिया, ये मैं याद नहीं करता, लेकिन प्रभु की कृपा है कि मैं वो चीज याद करता। वो है सोमालिया, क्या लगता है मुझे पता नहीं, एक दृश्य, दो बच्चे मिट्टी पे लेटा, एक 7 बरस का है, दूसरे एक 4 बरस का है, दोनों को पोलियो आ रहा है, इतना ही है लंबाई सब हड्डी चमड़ा बच्चे। वो वीडियो ऐसे दिखाते हैं कि वो लोग ऐसे कभी कभी रोता है, रोने के लिए आवाज भी नहीं है, हड्डी है, उड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, कोई वस्त्र नहीं है, बिल्कुल भी वस्त्र है, एक लड़की है, एक लड़का है, कुछ पता नहीं चलेगा लड़का है लड़की है। तो ये वीडियो दिखाने वाले उसको तस्वीर दिखा कर कहते कि आप विश्वास कर सकते कि ये इंसान के बच्चे, अब विश्वास कर सकते कि ये 7 साल और 4 साल के। इतने में एक छोटी लड़की आती है, वो 13 बरस की है, बोलता है एक शर्ट पहनी है, वो लड़की है, उसको दूसरा कोई कपड़ा नहीं है, कोई तो बुड्ढा का एक शर्ट उसको मिला, वो शर्ट पहन के वो आ रही है, वो एक पार्टी में मनी लेकर आ रहा है। तो ये जो वीडियो दिखा तो उसको पूछता है, दिखा से बोले कितने मील जाके वो पानी लेकर आ रहे हैं, तो ये चुपचाप खड़े रहे, क्या करेंगे। वो आया, ये पानी से दोनों बच्चों को उसने दिलाया, बच्चे से दिलाया, क्योंकि बहुत धूल है मिट्टी है, उसके बाद फटा हुआ शीट वहां बिछा कर इन दोनों को कैसे भी उठा के बोलो कुछ नहीं कर सकते, अपने आप सुलाया और उसको ऐसा लालबी करके उसको आराम दिलाता। तो ये आदमी ने पूछा उसको, इसको सिर्फ दिलाने से क्या होगा, खिलाना भी चाहिए। बोला वो मेरी बस की बात नहीं है, 4 दिन से मैं कुछ नहीं खाया, बच्चे लोगों ने भी नहीं खाया, लेकिन मैं आज सोचा मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे पता चला इतने माइल चल के जाएगा तो मुफ्त में उधर पानी मिलेगा, लेकर आऊंगा
मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने इतना किया। एक आदमी पूछता तेरा सोच क्या है? लड़की कहता है प्रभु ने शायद इसके लिए मुझको यहां रखा है। लोगों को वचन कहते हैं जो है उसे संतुष्ट रहो। आपको प्रभु ने यहां रखा है एक महान उद्देश्य से रखा है। अब अमीर हो सकता है, खंगर हो सकता है, अब पढ़ा लिखा हो सकता है, अब पूरे की रामकुंड चाप हो सकता है, अब जाना वाला हो सकता है, अब अनजान हो सकता है, अब मनसूरत हो सकता है, खूबसूरत हो सकता है। प्रभु का सोच महान है, प्रभु की भावना ये महान है। आपके हाथ में पैसा नहीं है लेकिन आप पानी ले आ सकता है। आप किसी को खिला नहीं सकता, आप उसके गंदगी धो सकता। आपकी सेवकाई वो होगा, मेरी सेवकाई अलग होगा। प्रभु का सोच गंभीर है, ऊंचाई का है। प्रभु ने हमारे आंखों को इसलिए खोल दिया कि हम सिर्फ परमेश्वर की खूबसूरती न देखे, उसके चित्त के विचारों को, उसके चित्त की भावनाओं को, उसके चित्त की कल्पनाओं को अपनाए। प्रभु चाहता और मेरे विचार, मेरे सोच, मेरे चिंता को मैं कैद करके रखे ताकि प्रभु के विचार, प्रभु की कल्पनाओं के आधार पर मेरा जीवन चलाया जाए। आइए प्रार्थना करें, आराधना करें, वचन को अपनाए।